को शिक्षित बनाना है, विकसित बनाना है, समृद्ध बनाना है, जो हम सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। गौरवशाली इतिहास रहा है उसके बारे में बताना है। यहाँ महावीर का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहारी के थे। सलाम आदाब, नमस्कार, मैं हूँ मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव 24x7। बिहार दिवस के अवसर पर उर्दू मध्य विद्यालय जहानाबाद में विधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में विद्यालय से प्रभात फेरी निकाला गया तथा बिहार दिवस से संबंधित नारों का वाचन छात्र छात्राओं के बीच वाल संसद की प्रधानमंत्री मजहबी परवीन और मीना शफक परवीन की अध्यक्षता में किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के संदेश को बच्चों को सुनाया गया ताकि मुख्यमंत्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा सके। इस संदेश के माध्यम से बिहार को विकसित राज्य बनाने के उपायों को सुझाया गया। कार्यक्रम का द्वितीय सत्र प्रारंभ सभी छात्र व छात्राओं, शिक्षकों एवं समवेत स्वर में बिहार राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार का गायन कर किया गया। तदुपरांत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बिहार में नारी शिक्षा की महत्ता विषय पर एक व्याख्यान का भी आयोजन किया गया। विद्यालय मीना शफक परवीन ने कहा कि हमारे बिहार राज्य का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, बहुत से महान हस्तियों का जन्म हमारे बिहार राज्य में ही हुआ है और आज भी हम शिक्षा को प्रोत्साहित कर अपने राज्य को समृद्ध बना सकते हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री संजय कुमार ने कहा कि बिहार में शिक्षा आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, विशेषकर नारी शिक्षा, क्योंकि आज की नारियां न सिर्फ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वरन वे कल्पना व सुनीता बनकर अंतरिक्ष की सैर भी कर रही हैं। तो वचेंद्री पाल, संतोष यादव बनकर एवरेस्ट की ऊंचाइयों को भी माप रही है। बिहार की महिलाओं भी इसमें काफ़ी पीछे नहीं है। बिहार की मीरा कुमार ने लोकसभा अध्यक्ष जैसे गौरवशाली पद को सुशोभित किया, तो वहीं निरुपमा पांडे और श्रेयसी सिंह बिहार को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रेडियो जॉकी अंजलि भी बिहार से ही हैं। भावना कंठ जो भारत की प्रथम युद्धक विमान पायलट है, ये भी बिहार के दरभंगा से ही हैं। इन सभी ने मिलकर बिहार के नाम को गौरवान्वित किया है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान से किया गया। आज के इस बिहार दिवस के अवसर पर शिक्षक, सभी शिक्षक उपस्थित हुए और बिहार दिवस कार्यक्रम को सफल बनाया। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फहीम हुसैन के साथ। आज किस तरीके का प्रभात फेरी निकाला गया? गवर्नमेंट ओटीडी स्कूल के तरफ से बिहार दिवस के शुभ अवसर पर प्रभात फेरी निकाला गया था। बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग होकर एक अलग राज्य बिहार बना था। एज ए स्टूडेंट और बच्चों के लिए क्या आपका संदेश है? बिहार को शिक्षित बनाना है, विकसित बनाना है, समृद्ध बनाना है, जो हम सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? शफक परवीन। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार। सर, आपके स्कूल के द्वारा प्रभात फेरी निकाला गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आज बिहार दिवस है 22 मार्च को और हमारे शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारियों के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था कि आज प्रभात फेरी निकालना है और बिहार की गौरव गाथा को बच्चों को बताना है बिहार गीत के माध्यम से और बिहार के जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसके बारे में बताना है। यहाँ महावीर का जन्म
हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहारी के थे। तो बहुत सारे ऐसे हैं अतीत में जो हमारे बिहार को गौरवशाली और आज यानी सशक्त बिहार, शिक्षित बिहार बनाने में प्रेरणा मिलता है उन लोगों का। सर, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 22 मार्च 1912। सर, एज ए प्रधान अध्यापक बच्चों के लिए क्या संदेश है? सर, बच्चों के लिए यही संदेश है कि सब लोग पढ़ें और आगे बढ़ें ताकि बिहार और शक्तिशाली बने। पूरे देश में बिहार का एक अहम स्थान हो, आज भी है, और अच्छा हो, हम बिहार को एक विकसित राज्य बना सके। उस शिक्षा के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। बिहार राज्य किस राज्य से अलग होकर ये बनाया गया? सर, बिहार राज्य पश्चिम बंगाल से अलग होकर बनाया गया था। धन्यवाद सर।